हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस वैकेंसी निकल चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एज लिमिट 15 से 24 वर्ष मांगा गया है, क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI मांगा गया है। टोटल वैकेंसी 12 से 16 पोस्ट दिया गया है। तो इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है, इसका एज लिमिट क्या रखा गया है, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें एंड इस YouTube चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर दिया हुआ है। इसका पब्लिश डेट जब हुआ था 7/12/2019, इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट यहाँ देख सकते हैं 7/12/2019 से, क्लोजिंग डेट यहाँ 6/1/2020 दिया हुआ है। और यहाँ पोस्ट अप्रेंटिस पोस्ट पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, 12 से 16 पोस्ट। तो इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं अप्रेंटिस इसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है, यूनिट डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला में आप देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर में आपको कौन सी भी ट्रेड के लिए मांगा गया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ आपको टोटल पोस्ट 10 दिया हुआ है। यहाँ UR में 3, SC में 1, ST में 2, OBC 3, EWS 1 रखा गया। टोटल आपका 10 पोस्ट का दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड आप देख सकते हैं कैरेज रिपेयरिंग वर्कशॉप भुवनेश्वर का, यहाँ देख सकते हैं उसी तरह यहाँ भी ट्रेड दिया हुआ है। पहला में फिटर है, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, MV, कारपेंटर। उसी तरह आपको यहाँ इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, वायरमैन, पेंटर आपको टोटल यहाँ आपको दिया हुआ है। तो उसी तरह इसका देख सकते हैं फिटर में आपको 80 पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ डिवाइड कर दिया गया है UR, SC, ST, OBC, EWS का, यहाँ डिवाइड आपको कर दिया गया है। उसी तरह से पूरा ट्रेड का आपको डिवाइड कर दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल इसमें 250 पोस्ट का दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ तीन नंबर देख सकते हैं खुर्दा रोड डिवीजन में भी उसी तरह आपको डिवाइड कर दिया गया है। फिटर है, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स पूरा टोटल आपको दे दिया है, यहाँ डिवाइड भी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ टोटल आपको देख सकते हैं 317 पोस्ट, यहाँ आपको खुर्दा रोड डिवीज़न में आपको 317 पोस्ट दिया हुआ है। उसी तरह से वेल्डर डिवीज़न में भी आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल्स आपको यहाँ डिवाइड कर दिया गया है, पूरा डिटेल्स इसका टोटल पोस्ट आपको कितना 553 दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पाँच नंबर में देख सकते हैं समलपुर डिवीज़न में आपको इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, वायरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, प्लम्बर, मशीन का आपको यहाँ दिया हुआ है। टोटल पोस्ट यहाँ डिवाइड कर दिया गया है SC, ST, OBC, EWS, जनरल, PWD, ASM के थ्रू आपको डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ टोटल आपको 86 पोस्ट दिया हुआ है। तो उसी तरह पूरा यहाँ डिटेल्स पाँच जोन का देख सकते हैं, डिवीज़न यहाँ पाँच डिवीज़न का आपको दे दिया हुआ है। डिटेल्स आप पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई करें। इसका एज रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ है, एज लिमिट 28/12/2019 से मांगा गया है, यहाँ 15 से 24 वर्ष मांगा गया है। SC ST के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया हुआ है एंड OBC के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और यहाँ जो डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 वर्ष का दिया हुआ है। तो उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं 10th में आपका 50% मार्क रहना चाहिए एंड रिलेवेंट ट्रेड ITI में आप जो किए हैं इलेक्ट्रिशियन, फिटर आपको रहना चाहिए किसी भी ट्रेड में। आप यहाँ सकते देख सकते हैं हाउएवर फॉर ट्रेंड वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक सीट मेटल वर्कर, वायरमैन एंड कारपेंटर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसका 8 क्लास पास मांगा गया है। उसके बाद आपको रिलेवेंट ट्रेड ITI का रहना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ एलिजिबिलिटी फॉर अदर बैकवर्ड का डिसेबिलिटी यहाँ दिया हुआ है, पूरा देख सकते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटी का दिया हुआ है, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। लो विजन यहाँ सिलेक्शन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक में आपको 50% रखा मांगा गया है, उसके बाद ITI
में भी आपको परसेंटेज रहना चाहिए और इसका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, इसका डायरेक्ट मेरिट मार्क बेसिस आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसका अप्लाई एप्लीकेशन फी यहाँ देख सकते हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी के लिए 100 का चालान दिया हुआ है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ चालान नहीं है। यहाँ प्रोसीजर पेमेंट आप यहाँ ऑनलाइन डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग थ्रू से आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर आप अप्लाई ऑनलाइन में आप यहाँ देख सकते हैं। फ़ोटो आपको रिसेंट फ़ोटो रहना चाहिए, फेस हैविंग पिक्सल आना चाहिए, फेस अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पिक्सल साइज देख सकते हैं 100x120 दिया हुआ है। यहाँ सिग्नेचर उसी तरह से आपको दिया हुआ है, पिक्सल का 160x70 पिक्सल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, 50 KB से 200 KB तक। यहाँ आपका 8 मार्कशीट 8 का है तो, उसके बाद 10th का दिया हुआ है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको PWD है तो ये तो ITI रिलेवेंट ट्रेड आपको रहना चाहिए। तो इस तरह प्रोसीजर टू फाइलिंग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, rrcbbs.org.in पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका लास्ट डेट से पहले जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग स्टाइपेंड के बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं उस तरह आपको पूरा डिटेल्स दे दिया गया है। उसके बाद एग्रीमेंट ट्रेनिंग भी आपको कितना से क्या करना है उसका भी दिया है। मेडिकल फिटनेस इम्पोर्टेंट इंट्रक्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा डिटेल्स दे दिया है। तो आपको यहाँ पूरा डिटेल्स रीड करके उसके बाद ही अप्लाई करें। तो इस YouTube चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।